अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और तलहा आके मेरे साथ बैठ गया। अभी नहा के फ्रेश हुआ हूँ, जाने लगा हूँ शॉप पे। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं आज के दिन में क्या क्या प्लान होता है और क्या क्या काम करते हैं। और मेरे साथ इस टाइम छोटा यूट्यूबर आके बैठा हुआ है, जिसका नाम है, क्या नाम है? मैं का नाम क्या है? तलहा। जिसका नाम है मैं नहीं तलहा। क्या नाम है? तलहा। और ये हमारी नन्नी डॉल भी आ गई है। और ये बारबी डॉल भागी भागी आ रही है ताकि वीडियो में आ जाए। मोमना, स्कूल क्यों नहीं जा रही आप? स्कूल क्यों नहीं जा रही? छुट्टी। क्यों छुट्टी है? अब तो स्कूल खुल गए हैं, आप स्कूल जाया करो। खुल गए हैं स्कूल, अब स्कूल जाया करो, ठीक है? और क्या खाना है आपने, क्या लेके आना है आपके लिए? मटर। मटर दाने। आपने क्या खाना है? दाने। आपकी मम्मा कहाँ है? मलका कहाँ है? मलका कहाँ है? तलहा को भी पता चल गया हुआ है कि मलका उसकी मम्मा को बोलता हूँ, तो वो भी कह रहा है किचन में है मलका, फ्रिज की सफाई कर रहे। फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं मास्टर साहब के डेरे, मैं और अब्बू। और ये मास्टर साहब का डेरा, वैसे पहले भी आप लोगों ने देखा हुआ है, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी इस पर। और ये देखें, ये भाग रही है मुर्गी। और अब्बू देख, अब्बू को शौक था वो मास्टर साहब उनकी भैंस ने कट्टी दी है वो देखने का। तो अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं भैंस और उसकी कट्टी। फिलहाल तो अब्बू चले गए हैं माल की तरफ। और ये है मेरा दोस्त, अल्लाह का शुक्र। तुसी सुनाओ। नहीं, पानी पी के मास्टर। ओ इत्थे स्प्रे ग्राउंड है, कित्थे करांदा? अच्छा, ये है मास्टर साहब के जानवर। कवों की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, मेरे सर पे मंडला रहे हैं। और ये सामने बकरियां घास चर रही हैं और इंजॉय कर रही हैं फुल माहौल को। और यहाँ पे हर तरफ देख लें आप, फसलें। और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। ये इस तरफ भैंसें बांधी हुई हैं और ये सामने डेरा बनाया हुआ है, अब्बू लोग खड़े हैं। और बहुत ज़बरदस्त माहौल है, ऐसी फिज़ा और इलाका, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। और ये देखें जी, बंदा बकरियाँ मोड़ने के लिए भागा जा रहा है, वो उस तरफ को आगे भागी जा रही हैं और उन्होंने कपास में चले जाना है, इसलिए भागम भाग जा रहा है, ताकि वो जा रही हैं कपास में भागी। और मेरे सर पे कवे घूम रहे हैं, पता नहीं इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं जो मैंने उठा लेने हैं। और ये हम पहुंच गए हैं जी, ये है मास्टर साहब की मज और इसकी ये छोटी छोटी सी कट्टी। हेलो बेबी। और ये है मज मुझे धमकियां दे रही है कि मेरा रंग गोरा आना चाहिए। बंदा पूछे भी तू भोरा फेयर एंड लवली ला लिया कर, हूँ मैं क्या गोरा लिया वा। माशाल्लाह कट्टी बड़ी प्यारी है और मज भी बड़ी प्यारी है और यहाँ पे छाऊ भी बड़ी प्यारी है। ये देखिए माहौल, बड़ा VIP माहौल है, फसलें और ठंडी छाऊ, ज़बरदस्त हवा, VIP माहौल, क्या कमाल का माहौल है भाई। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। जब हम देहात में रहते थे तब बड़ा दिल करता था कि शहर हो शहर, पर जब से शहर में आए हैं अब दिल करता है देहात ही हो। वाकई देहात में सुकून है, शहर की बस शौक ही है कि शहर हो। देख लें जी बैक पे कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और मैं ट्राईपोड उधर ही रखा आया हूँ अब्बू के मोटरसाइकिल के पास, बल्कि चारपाई पे उधर रखा आया हूँ। मैं साथ लेके आया था ट्राईपोड के, हो सकता है ट्राईपोड हाथ में पकड़ के कोई सीन लेना पड़े, तो ये सेल्फी स्टिक पे क्योंकि मोबाइल लगाया हुआ है तो ट्राईपोड से फिर ज़रा ज़्यादा इजी हो जाना था। सेल्फी स्टिक का फ़ायदा ये है कि बाजू बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ता और बंदा इजीली वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है बग़ैर बाजू को ज़्यादा तकलीफ़ दिए। तो इस वजह से मैं फिर ज़्यादातर अब सेल्फ़ी स्टिक का यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो बनती है। और मेरे सर पे कवे ऐसे मंडला रहे हैं कि हद से ज़्यादा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कवों की फ़ौज कैसे मंडला रही है मेरे सर पे।
जैसे पता नहीं मैंने इनकी चोरी कर ली है कोई, सारे कवे ही कवे हैं। ये देखिए कवे कैसे घूम रहे हैं ये देखो सारे कवे घूम रहे हैं, पता नहीं इन्होंने शायद इधर बच्चे दिए हुए हैं जिसकी वजह से इस तरह घूम रहे हैं। मेरे सर पे कवे ही कवे हैं, ये देखें सारे। यहाँ पे हम मास्टर साहब को मिलने आए थे, मैं और अब्बू, और मास्टर साहब के वालिद साहब का जो ऑपरेट हुआ था तो उनकी कॉल आई थी कि यार मिलने भी नहीं आए आप, मैं जिस दिन का चेक आया हूँ और हॉस्पिटल से वापस आए आप दोबारा मिलने नहीं आए, तो इस वजह से आए हैं। तो अब्बू कहते हैं पहले डेरे चलते हैं, डेरे से फिर चलेंगे उधर। तो अभी अब्बू तो इस तरफ चले गए हैं शायद फसल वगैरह देखें मास्टर साहब लोगों की, और मैं इधर ही रुक गया हूँ। अब्बू वापस आते हैं तो अभी जाएंगे मास्टर साहब के चेक, मास्टर साहब के घर, तो वहाँ पे बाबा जी को मिलेंगे और वहाँ पे वीडियो भी साथ ही शूट कर लेंगे। आपको बाबा जी से भी मिलवाएंगे और पूछेंगे बाबा जी से कि अब उनकी तबीयत कैसी है, कैसा फील कर रहे हैं। 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे, वैसे मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था। जो लास्ट डे था वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला था क्योंकि बाबा जी की सडनली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर अल्लाह पाक ने करम किया वो ठीक हो गए और अब माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो अभी चलेंगे तो आपकी मुलाकात करवाऊंगा बाबा जी से। ये बच्चा बेचारा मेरे पास देखने आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। कहना बाल ही मेरे नाल वाला हूँ डसा, कहना बाल ही पढ़ता क्यों कहन भी स्कूल में नहीं क्यों स्कूल गया कर बकरियां चरेना स्कूल क्यों कहने वेंदा स्कूल क्यों कहने वेंदा दंद केड़े गए तेरे हाँ दंद कितने वो क्यों टूट गए वो क्यों टूट गए ये देखें इस उम्र में हम मौज करते थे और ये बच्चा बेचारा स्प्रे कर रहा है और इसको नज़ला हो गया। मास्टर दवाई नहीं खिना लेना नज़ले दी, सच्ची सच्ची दसा मास्टर नहीं खिना रहा दवाई नहीं खिना रहा, अच्छा इंदा इलाज करें अज मोबाइल चार्ज जरा बैठे जा ना टच मोबाइल गेंद दिते से खराब थी गए मास्टर तुम्हारा खराब नहीं थी गया हाँ अला तो दसा नीवा करके जिते नजर आ जाए खुदे तो मैं शक पी मैं लो जी तो क्यों लंघे लो जी कंडे लग गए ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਝਾੜ ਦੇ ਇਕੜਾ ਝਾੜ ਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਲੈ ਤੇ ਲਿਆ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਟੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੰਨ ਚੜਾਏ ਆ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਆ ਕੰਨਾ ਨਾ 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 ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਾਲ ਬਟਨ ਤੋਂ ਓਏ ਲਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ कितना हाथ लाना मैं 10 मिनट बंद कर दा। ये थे अभी जो मेरे कपड़ों को लग गए थे और मास्टर साहब मज़े से वीडियो बना रहे थे, हमें यहाँ बुला के ना हमें ये सिला दिया और मेरी टांगों से खून निकल आया इनसे। एक मैं क्या कहते होते हैं शहरी मम्मी डैडी बच्चा हूँ और मास्टर साहब ने इन्हें मोहब्बत बूटी कहते हैं, ये जंग चोलस्तान की मोहब्बत बूटी है, ये ऐसी मोहब्बत की है इसके साथ ये वैसे कर रहा है ये। हाँ जी इसका नाम मोहब्बत बूटी इसलिए रखा है ना, ये कपड़ों के साथ ही चिपक जाती है, ऐसी मोहब्बत दिखाती है बंदे का खून निकाल देती है। मेहमान नवाजी सानू इससे साथ लिया जंगल दे खेतों में हमें साथ लिया आपने घर मेहमान नवाजी वाला बैठा घर छाड़े कहे बंदे ने मैं ये बंदे नु स्प्रे दा काम खराब हुंदा सी उत्ते थल्ले नहीं पता लगदा ते वध कर मास्टर साहब ने सानू सद के ना ओ अपनी ओ किसी दी मर साहब ने हमें यहाँ बुलाया खुद का मैं घर ही हूँ आ जाओ, और जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो खुद यहाँ खेतों में खड़े स्प्रे करवा रहे हैं और साथ ही ये पता नहीं इनकी मोहब्बत बूटी ने बहुत मोहब्बत की है मेरे साथ। मैं तो पछता रहा हूँ इस मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा अभी भी अभी जाते हैं बाबा जी के पास उनका हाल चाल पूछते हैं जिनका ऑपरेट करवाया है। मास्टर साहब की मोहब्बत बूटी ने जो प्यार दिखाया है ना ये कभी नहीं भूलेगा, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जी देखो सीधा लोग प्यार करना रखे फ्रेंड, ये बाबा जी हैं जिनको मैं हॉस्पिटल लेके गया था, दादा जी मेरे, ये मास्टर साहब के वालिद साहब हैं और इनके साथ था मैं हॉस्पिटल 5 दिन और ये अब माशाल्लाह ठीक हो गए हैं बिल्कुल। यार मैं उत्थे ते बाबा जी हजे भी नहीं मेरे राजी है। यार
ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੱਕੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੰਗਣੀ ਕਰਤੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਆਹ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ। ਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਯੇ ਥਾ ਆਜ ਕਾ ਵਲੌਗ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ। ਅੱਬੂ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਥੇ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਅਭੀ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥਾ ਜੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਬੀਅਤ ਅਜੀਬ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਸੁਬਹ ਸੇ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਥਾ। ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਅਭੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਵਲੌਗ ਕਾ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੂਲੇਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਊ ਆਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਵੋ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ। ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।